हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका ड्यू जेमोलॉजी के डायमंड एजुकेशन प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का टॉपिक है फैसेट अरेंजमेंट। आज हम समझेंगे एक राउंड ब्रिलियंट का डायमंड में टोटल कितने फैसेट्स होते हैं और उनका नाम क्या है। तो शुरू करते हैं फैसेट अरेंजमेंट। ये है एक राउंड ब्रिलियंट का डायमंड। जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहते हैं क्राउन, हिंदी में कहते हैं मथाला। जो बीच का हिस्सा है इसे कहते हैं गर्डल, इसे हिंदी में कहते हैं धार। और जो नीचे का हिस्सा है इसे कहते हैं पवेलियन और इसे हिंदी में कहते हैं तलिया। तो क्राउन पर जब हम देखते हैं, जो ऊपर देख रहे हैं हम सबसे ऊपर ये ऑक्टागन शेप में, इसे कहते हैं टेबल। तो चलिए इस डायमंड को मैं फेस ऑफ व्यू से देखता हूं। ये रहा, तो जो सेंटर में है ये है टेबल। तो डायमंड में टेबल सिर्फ एक ही होता है। अब टेबल के पास जो ये ट्रायंगल फैसेट है, ये वाला, इसका नाम है स्टार फैसेट। हिंदी में इसे कहते हैं टेबल का त्रिकोण। चलिए गिनते हैं स्टार फैसेट कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टार फैसेट्स होते हैं। अच्छा, इनका नाम स्टार फैसेट्स क्यों है? क्योंकि देखिए आठों इकट्ठे एक स्टार जैसा नजर आ रहा है, इसलिए इसको स्टार फैसेट्स कहा जाता है। और टेबल को यही स्टार फैसेट्स ही बनाते हैं। स्टार फैसेट के ठीक नीचे होता है बेसल फैसेट। इस बेसल फैसेट के 3 नाम हैं, बेसल फैसेट, काइट फैसेट एंड क्राउन मेन फैसेट। ये क्राउन का मेन फैसेट होता है। फिर से सुन लीजिए, बेसल फैसेट जो होता है ये क्राउन का मेन फैसेट होता है। और हिंदी में इसे कहते हैं चौकड़ी। चलिए गिनते हैं कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बेसल फैसेट। ठीक, इसके नीचे होते हैं अपर गर्डल फैसेट्स। ये वाला ट्रायंगुलर, इसे अपर गर्डल क्यों कहा जाता है? क्योंकि गर्डल के ऊपर के हिस्से में होता है। चलिए गिनते हैं कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 अपर गर्डल फैसेट्स होते हैं। तो एक राउंड ब्रिलियंट का डायमंड के टॉप में, मतलब क्राउन पर, टोटल कितने फैसेट्स हुए? 1 टेबल, 8 स्टार, 8 बेजल और 16 अपर गर्डल, टोटल 33 फैसेट्स होते हैं टॉप पर, क्राउन पर। चलिए अब हम आते हैं पवेलियन पर। अच्छा, बेजल फैसेट कितने थे? 8। तो ठीक देखिए बेजल के नीचे, एग्जैक्ट बेजल के नीचे देखिए, यह है पवेलियन मेन फैसेट। बेजल का नाम है क्या है ना, क्राउन मेन फैसेट। बिल्कुल ठीक उसके नीचे है पवेलियन मेन फैसेट। ये कितने होते हैं? ये भी 8 ही होते हैं। चलिए अब गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पवेलियन का मेन फैसेट है। और इस फैसेट को हिंदी में भी कहा जाता है भाला। क्यों? भाला जैसा नजर आ रहा है ना। इसे इंग्लिश में एक और नाम भी है, एरो फैसेट। तो इसके 3 नाम टोटल हुए, एरो फैसेट, पवेलियन मेन फैसेट और हिंदी में क्या बोलते हैं? भाला। अच्छा, अब देखते हैं साइड वाला। ये जो ट्रायंगल फैसेट आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं लोअर गर्डल फैसेट। याद है अपर गर्डल कितने होते हैं? 16। उनको अपर गर्डल क्यों कहा जाता है? क्योंकि गर्डल के ऊपर के हिस्से में होते हैं। ठीक ठीक उसके नीचे देखिए, यहां पे भी है ये अपर गर्डल के नीचे, और इसको कहा जाता है लोअर गर्डल। क्यों? क्योंकि गर्डल के नीचे की तरफ होता है। तो क्योंकि 16 अपर गर्डल है, ठीक हर एक अपर गर्डल के नीचे एक लोअर गर्डल भी होता है। तो 16 ही हमारे लोअर गर्डल भी हुए। अब गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हुए लोअर गर्डल फैसेट्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तलिया का त्रिकोणिया। तलिया मतलब पवेलियन, तो पवेलियन का त्रिकोणिया। अच्छा, यहां जो देखना पॉइंट, अगर यहां भी एक फैसेट है तो उसे भी हम फैसेट गिनेंगे। अगर मतलब ये ऑप्शनल है, तो इसे कहते हैं क्यूलेट। ये ऑप्शनल है, क्यूलेट हो भी सकता है और क्यूलेट नहीं भी हो सकता है। तो अगर यहां पे भी एक फैसेट है इसे हम कहेंगे क्यूलेट। तो चलिए गिन लेते हैं टोटल पवेलियन में कितने फैसेट्स होते हैं। 8 पवेलियन मेन फैसेट्स, 16 लोअर गर्डल फैसेट्स और एक ऑप्शनल क्यूलेट। तो पवेलियन में टोटल 24 या 25 फैसेट्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि टॉप एंड बॉटम, मतलब क्राउन एंड पवेलियन दोनों को जोड़ के टोटल एक स्टैंडर्ड राउंड ब्रिलियंट कट डायमंड में कितने फेसेट्स होते हैं? टोटल होते हैं 57 या 58। क्यों? क्यूलेट। अगर क्यूलेट है तो 58, क्यूलेट नहीं है तो 57। अच्छा, इसमें दो बातों का ध्यान हम और रखेंगे। एक एक्स्ट्रा फेसेट, डायमंड में अगर एक्स्ट्रा फेसेट हो जाते हैं आते हैं तो उन्हें हम स्टैंडर्ड फेसेट्स में नहीं गिनते, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर गर्डल पर इस तरह के छोटे छोटे फेसेट्स होते हैं तो इन्हें भी हम स्टैंडर्ड फेसेट्स में नहीं गिनते। तो एक राउंड ब्रिलियंट कट डायमंड में टोटल 57 या 58 फेसेट्स होते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है उदय, मैं डायमंड एजुकेशन प्रोग्राम देता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, लैब सर्विसेज देता हूँ और डायमंड प्राइसिंग पर रिसर्च करता हूँ। अच्छा, अगला जो मेरा टॉपिक आएगा, अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा 18 पैरामीटर्स पर। हम समझेंगे कि छोटे से डायमंड को देखने के लिए, उसका कट ग्रेड डिसाइड करने के लिए हमें 18 बार चेक करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा था कि कट ग्रेड एक्सीलेंट है, वेरी गुड है कि गुड है, ये समझने के लिए हमें 18 बार देखना पड़ता है? तो अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को समझेंगे और आज के वीडियो से जुड़ा हुआ 4 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये 4 सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले वीडियो को समझने के लिए ये 4 सवालों का जवाब आपके पास दिमाग में होना जरूरी है, ठीक है? तो अच्छा, ये सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में है, मैंने पीछे बोला हुआ है। तो पहला सवाल ये है कि वो कौन सा फैसेट है जो सबसे बड़ा होता है, जो ऑक्टागन शेप में होता है? दूसरा सवाल, वो कौन सा फैसेट है जो ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है? तीसरा सवाल, क्राउन का मेन फैसेट कौन सा है, उसका नाम क्या है? और चौथा, पवेलियन का मेन फैसेट का नाम क्या है? दोस्तों, ये जो चारों सवालों का जवाब है मैं अगले वीडियो के शुरू में कहूंगा, इसका आंसर दूंगा। और आप भी अगर कोई इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में है तो बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, शेयर कीजिए, कमेंट पे लिखिए, आपका जवाब दूंगा। फोन नंबर भी है नीचे, उससे पूछ भी सकते हैं। मेरी पूरी टीम है आपकी सहायता करने के लिए। मैं चाहता हूं दूर दूर तक ये ज्ञान पहुंचे, दूर दूर तक मेरे ज्वेलर भाई डायमंड का डिमांड और बढ़ाएं, ग्राहक और डायमंड की तरफ अट्रैक्ट हो और ज्यादा डायमंड खरीदे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।